द चैनल मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के बारे में और जेई एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे मेरे कि नीट एग्ज़ाम पे कुछ क्लैरिटी दो नीट एग्ज़ाम के बारे में या फिर जेई एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम का क्या हुआ, पोस्टपोन हुआ है पोस्टपोन नहीं हुआ, उसके बारे में हमें कुछ बताओ। कल की डेट में जो सबसे लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, वो है कल की डेट का 21 अगस्त के दिन उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था, जो मैं आपको अभी पूरा प्रेस रिलीज़ समझाता हूँ कि उस प्रेस रिलीज़ में उसने क्या कहा है, उन्होंने क्या बताया है, कैसे एग्ज़ाम को लेना है या नहीं लेना है, सारी चीज़ें। सबसे पहले जो हम प्रेस रिलीज़ देख रहे हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, सब्जेक्ट है जेई मेन्स अप्रैल-सितंबर 2020 एंड नीट यूजी मई-सितंबर 2020। मतलब जेई मेन्स और नीट के लिए कम्बाइंड प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है यहाँ पे। इसमें उन्होंने बताया, वी फाइंड दैट देर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन इन द प्रेयर मेड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन रिटेनिंग टू नीट यूजी एज वेल एज जेई मेंस अप्रैल। इन आवर ओपिनियन दो देर इज पैंडमिक सिचुएशन बट अल्टीमेटली लाइफ हैज़ टू गो एंड द करियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट ऑन पेरिल फॉर लॉन्ग एंड फुल एकेडमिक ईयर कैन नॉट बी वेस्टेड। उन्होंने ऐसा बताया है, इसका जो मतलब है वो ये है कि जो कोरोना की जो पैंडमिक है वो तो होते रहेगी बट लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ को भी चलते रहना है, इसी में हमें यूज़ टू होना पड़ेगा। और जो जेई मेन्स की और नीट एग्ज़ाम की जो पोस्टपोनमेंट की जो पिटिशन रखी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, मतलब जो पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम होने वाली थी वो नहीं होगी एग्ज़ाम, उनका ये ऐसा कहना है। इन दिस बैकग्राउंड इट इज इनिशिएटेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक द कैंडिडेट्स ऑफ जेई मेंस वेयर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी 5 times टू चेंज देयर ओपिनियन ऑफ सेंटर सिटी। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं जेई मेंस के उनको 5 options मिलेंगे अपने सिटी को चेंज करने के लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिटी अगर आपको बहुत दूर मिल गई आपके घर से तो आपको 5 options मिलेंगे सिटी को चेंज करने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड दे वेर कंसिडर्ड फॉर सेंटर्स बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट ऑप्शन। और ये जो उनको लेटेस्ट ऑप्शन के ऊपर मिलेंगे, जो उन्होंने अभी लेटेस्ट अपडेट किया होगा उसके आधार पे उनको सेंटर्स मिल जाएंगे। नाउ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ ऑल्सो रिलीज द एडमिट कार्ड फॉर द जेई मेन्स एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड फ्रॉम 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक। मतलब जेई मेन्स की जो एडमिट कार्ड है वो आ चुकी है आपकी, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में। 6,49,223 स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं जेई के एग्ज़ाम में। उसके बाद जो नीट की बात की गई, एज़ फार एज़ नीट UGC इज़ कंसर्न, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम द कैंडिडेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन वेर गिविन ऑप्शन 5 times, इनको भी 5 times की अपॉर्चुनिटी मिलेगी चेंज करने के लिए अपने सेंटर को। और जो नीट की जो एग्ज़ाम होने वाली वो 13 सितंबर को होने वाली है, और जो बच्चे नीट के लिए बैठ रहे वो है 15,97,433 स्टूडेंट, मतलब 15,97,433 स्टूडेंट, मतलब ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास के स्टूडेंट्स हैं। और जो एडमिट कार्ड है नीट एग्ज़ाम की वो अभी तक आई नहीं है, बहुत जल्दी वो रिलीज करने वाले हैं ऐसा उन्होंने बताया। बेस्ड ऑन द MHRD's गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कम्युनिटी वाइड इट डेटेड 6/7/2020 NTA हैज मेड एलाबोरेट अरेंजमेंट्स टू हैंड ग्लव्स एज ए। उन्होंने सिंपल बताया कि वो क्या क्या अरेंजमेंट्स करेंगे, ग्लव्स ये मास्क ये सैनिटाइजर्स ये सब करेंगे, बट ये मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं कि आप 16 लाख स्टूडेंट को आप मैनेज कर पाओ। कॉमेंट के में हमने देखा है क्या हुआ है बैंगलोर में, क्या हुआ है महाराष्ट्र में कॉमेंट के एग्जामिनेशन में। खैर ये जो थी आज की वीडियो, ये थी प्रेस रिलीज के बारे में, टेस्टिंग एजेंसी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था कल 21 अगस्त को नीट और जेई मेंस के एग्जाम के बारे में, ये था। हालांकि इस पर बहुत सारे एडवोकेट अभी भी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, बट जो मेरा भी ओपिनियन एक है सारे स्टूडेंट्स के लिए जेई मेंस और नीट के लिए कि आप स्टडी मत रोको किसी भी रीजन से, आप अपनी स्टडी करते रहो। और जो आपकी जो माइंडसेट थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन और हो सकता है दिसंबर तक, उसके आधार पर मत चलो, अब एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत बढ़ गए 99%। तो प्लीज़ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो और कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स आ जाए अगर एग्ज़ाम होती है तो। और अगर एग्ज़ाम होती है तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद का प्रिकॉशंस लेके जाना, पॉसिबल नहीं है प्रिकॉशन लेना 16 लाख बच्चों के बीच में, बट स्टिल आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको इतने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।